आप देख रहे हैं दखल न्यूज। महाराष्ट्र विधानसभा में अध्यक्ष का हुआ निर्विरोध चुनाव, कांग्रेस नेता नाना पटोले बने स्पीकर। हनी ट्रैप पर संध्या लोकस्वामी के खुलासे से डरी कमलनाथ सरकार, मीडिया पर अघोषित आपातकाल। बीजेपी नेता राकेश सिंह का कांग्रेस सरकार पर आरोप, केंद्र के पैसे का हो रहा है दुरुपयोग। एमपी में सरकार की बड़ी कार्यवाही, 16 शिक्षकों को दी गई अनिवार्य सेवानिवृत्ति। और कमलनाथ राज में स्वास्थ्य सेवाएं, वेंटिलेटर पर अस्पतालों में स्ट्रेचर तक नहीं। नमस्कार, मैं हूं सत्यम शर्मा, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के पद पर कांग्रेस नेता नाना पटोले को शिवसेना एनसीपी कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में निर्विरोध चुन लिया गया। इससे पहले भाजपा प्रत्याशी किसान कथोरे ने नामांकन वापस ले लिया। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में शिवसेना एनसीपी कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए फ्लोर टेस्ट के बाद महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए रविवार सुबह मतदान होना था। महाराष्ट्र विधानसभा के नए अध्यक्ष कांग्रेस नेता नाना पटोले पहले भाजपा के साथ थे। उन्होंने पहले कहा था कि उन्हें निर्विरोध चुने जाने की उम्मीद है। विदर्भ में सकोली निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले 56 वर्षीय नेता ने कहा कि भाजपा को लोकतंत्र में उम्मीदवार को मैदान में उतारने का अधिकार है, मगर महाराष्ट्र में यह परंपरा रही है कि अध्यक्ष को निर्विरोध चुना जाता है। यह परंपरा जारी रही। विधानसभा में भाजपा विधायक देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हमने विधानसभा स्पीकर के पद के लिए किसान कथोरे को नामित किया था, लेकिन सर्वदलीय बैठक में अन्य दलों ने हमसे अनुरोध किया और यह परंपरा रही कि स्पीकर को निर्विरोध नियुक्त किया जाता है, इसीलिए हमने अनुरोध स्वीकार कर लिया और अपने उम्मीदवार का नाम वापस ले लिया। गौरतलब है कि पटोले 4 बार से विधायक रहे हैं। उन्होंने साल 2014 में कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा की टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा था। उन्होंने भंडारा गोदिया सीट से राकांपा के मजबूत नेता प्रफुल्ल पटेल को हराया था। हालांकि दिसंबर 2017 में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ मतभेदों के बाद भाजपा छोड़ दी और वापस कांग्रेस पार्टी में लौट आए थे। हनी ट्रैप मामले में सनसनीखेज खुलासे करने वाले संझा लोकस्वामी अखबार से मध्य प्रदेश सरकार संसद में आ गई है। हनी ट्रैप मामले में फंसे नेताओं और अफसरों के नामों का अब खुलासा न हो, इसलिए अब सरकार ने मीडिया का मुंह बंद करने की कोशिश शुरू कर दी है। बीती रात लोकस्वामी से जुड़े संस्थानों पर छापामार कार्रवाई कर प्रशासन ने मीडिया पर अघोषित आपातकाल जैसे हालात पैदा करने के प्रयास किए हैं। कमलनाथ सरकार के इस कदम की हर तरफ आलोचना शुरू हो गई है। इंदौर में प्रेस की आजादी पर कांग्रेस सरकार ने अघोषित आपातकाल लगा दिया है। हनी ट्रैप मामले पर लगातार साझा लोकस्वामी के खुलासों से नेताओं और अधिकारियों की अय्याशियों का खुलासा हो रहा था। इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार इस अखबार से इस कदर भयभीत नजर आई कि उसने अखबार और उससे जुड़े संस्थानों पर छापामार कार्यवाही की। इस कार्यवाही के दौरान इस कदर पुलिस लगाई गई जैसे कोई बड़ी आतंकवादी घटना हो गई हो या पुलिस कोई बहुत बड़ा ऑपरेशन करने आई हो। अंदर गए हैं अमित जी, आए हम भी अंदर गए। अंदर जाने के बाद पुलिस वालों ने मारा। कैमरा तो पहले छीना लिया था, कैमरा ऐसा गिराया और छीन लिया, अभी कैमरा दिया मेरे को। पुलिस की कितनी दादागिरी चल रही है की आजकल पत्रकार स्वतंत्र पत्रकार भी घर के अंदर महसूस नहीं है। गुंडागर्दी चल रही है, कल से कोई पत्रकार अपनी कलम नहीं उठा पाएगा, कोई फोटोग्राफर फोटो नहीं खींच पाएगा, कोई अपना वीडियोग्राफर कोई अपना शॉट नहीं बना पाएगा। आप समझो, सरकार की पुलिस की प्रशासन की गुंडागर्दी चल रही है। कल से कोई भी कलमकार 10 बार सोचेगा किसी के खिलाफ खबर लिखने में, सरकार के खिलाफ। इस तरीके से किसी के घर पर छापा सीधा सीधा दिख रहा है कि हनी ट्रैप में जो खुलासे किए गए हैं लोकस्वामी द्वारा, उसके बाद एक पत्रकार एक कलम को दबाने के लिए ये सब कुछ आधी रात को यहाँ पर प्रेस के अंदर घर के अंदर उनके प्रतिष्ठानों में छापे डाले गए, गुंडागर्दी की गई है, लाइट चलाए गए हैं, कैमरे छीने गए हैं, जिसमें 3-4 पत्रकार घायल हुए हैं। लोकस्वामी अखबार रोज उन अय्याश नेताओं और अफसरों का खुलासा कर रहा था जो हनी ट्रैप के चक्कर में गैंग से जुड़े लोगों को अनुचित लाभ पहुंचा रहे थे। इन अफसरों और नेताओं के दो दो चेहरे सामने आ रहे थे। लड़कियों के लिए ये अफसर किसी भी हद तक जा सकते थे।
सरकार को जैसे ही इस बात की भनक लगी कि लोकस्वामी कुछ वर्तमान अधिकारियों और नेताओं की अय्याशी को अखबार के पन्ने पर ला सकता है, तो अचानक लोकस्वामी के मालिक पत्रकार जीतू सोनी के निवास और संस्थानों पर यह कार्यवाही की गई। पत्रकारों ने सरकार के इस कदम की कड़ी आलोचना की है। कमलनाथ सरकार के अधीन इंदौर प्रशासन द्वारा जिस तरीके से साझा लोकस्वामी अखबार को दबाने की कोशिश की गई है, उस पर जो कार्रवाई की गई है, उसकी डिजिटल प्रेस क्लब कड़े शब्दों में निंदा करता है और कमलनाथ सरकार से उम्मीद रखता है कि दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हनी ट्रैप मामले में जिस प्रकार सफेदपोशों को, ब्यूरोक्रेसी को, जो समाचार पत्रों के माध्यम से उन्हें नंगा किया जा रहा है, उस सारे मामले से सरकार भयभीत है, प्रशासनिक तबका भयभीत है और वो घबराया हुआ है। यही कारण है कि इंदौर से प्रकाशित लोकप्रिय साझा लोकस्वामी समाचार पत्र पर जो कार्रवाई की गई है वह न केवल प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला है, बल्कि मध्य प्रदेश के उस मीडिया को जिसकी पीठ पत्रकारिता में कभी रुचि नहीं रही, जो मीडिया राजेंद्र माथुर, प्रभाष जोशी के आदर्शों को लेकर के मध्य प्रदेश की पत्रकारिता कर रहा है, उस पर ये सीधा सीधा हमला है। और ये हमला किसी भी स्थिति में न तो कोई पत्रकार यूनियन बर्दाश्त करेगी, न समाचार पत्र संचालक बर्दाश्त करेंगे। सरकार को, प्रशासन को सोचना चाहिए, यदि उनके पास, जब साझा लोकस्वामी के संचालक ने ये कहा कि ये जांच एजेंसियों के पास भी ये तथ्य हैं और यदि नहीं है तो इन तथ्यों को शामिल करके जांच की जाना चाहिए, तो स्पष्ट है कि मीडिया अपना धर्म निभा रहा है और उस धर्म को रोकने के लिए प्रशासनिक तबका और सरकार पर्दे के पीछे से कार्रवाई कर रही है। मीडिया की स्वतंत्रता पर हमला किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हनी ट्रैप मामले में शिवराज से लेकर कमलनाथ सरकार तक के कई नेता और अफसर हनी में नजर आए हैं। बड़े पदों पर बैठे कुछ अय्याश अफसरों की मीडिया के कारण नींद उड़ी हुई है। यही वजह है कमलनाथ सरकार और उनके अफसरों को मीडिया पर अघोषित आपातकाल लगाना पड़ रहा है। इंदौर से प्रकाशित होने वाले सांध्य दैनिक लोकस्वामी समाचार पत्र लगातार हनी ट्रैप मामले में सफेदपोशों के काले कारनामों को उजागर किए जाने से सरकार बौखला गई है। लोकस्वामी अखबार के प्रमुख जीतू सोनी के इंदौर शहर में स्थापित विभिन्न प्रतिष्ठानों पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी में विद्युत विभाग, खाद्य विभाग एवं राज्य के अधीन आने वाले विभागों ने कुछ ज्यादा ही सक्रियता दिखाई। पुलिस और प्रशासन ने शाम से ही छापा मारने की रणनीति तैयार कर ली थी। रात 11:30 बजे पुलिस, नगर निगम, बिजली कंपनी, आबकारी विभाग, खाद्य विभाग के अमले ने एक साथ गीता भवन और साउथ तुकोगंज स्थित दो होटलों, न्यू पलासिया स्थित रेस्तरा, प्रेस कॉम्प्लेक्स स्थित मीडिया हाउस, कनाडिया रोड स्थित निवास पर एक साथ छापा मारा। मौके पर पहुंचे पुलिस अफसरों और संस्थान के कार्ता धर्ता के बीच जमकर हुज्जत हुई। उन्होंने कहा कि आप किस तरह की कार्यवाही करने आए हैं। उन्होंने भारी पुलिस बल लाने पर आपत्ति ली और अतिरिक्त बल हटाने के लिए कहा। एसडीएम राकेश शर्मा ने संस्थान से जुड़े अमित सोनी से कहा कि वे सर्चिंग करने आए हैं और उन्हें ना रोका जाए। सोनी ने कहा कि सर्चिंग के लिए 2-3 अफसर जा सकते हैं। इसके बाद चुनिंदा अफसरों की टीम कार्रवाई करने भीतर पहुंची। हनी ट्रैप मामले में लगातार हो रहे खुलासे के बाद मीडिया हाउस ने शनिवार को कोर्ट में हार्ड डिस्क वकील के माध्यम से पेश की थी, जिसमें कई बड़े राजनेता और ब्यूरो केस के फुटेज भी बताए जा रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने सांसद घेराव को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस झूठ की राजनीति कर रही है, प्रदेश में किसानों की स्थिति ठीक नहीं है और कांग्रेस खुद की गलती का ठीकरा भाजपा पर फोड़ रही है। राकेश सिंह ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि केंद्र की 1,000 करोड़ की राहत राशि को कांग्रेस प्रशासकीय कार्यों में खर्च कर रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि कमलनाथ सरकार को बीजेपी सांसदों से सवाल पूछने का कोई अधिकार नहीं है, कांग्रेस झूठ की राजनीति कर रही है, खुद की गलतियों का ठीकरा बीजेपी सांसदों के सिर फोड़ा जा रहा है। प्रदेश में ना तो किसानों का कर्ज माफ हुआ और ना ही उनको खाद और यूरिया मिल पा रही है। प्रदेश में किसानों की स्थिति बदतर होती जा रही है। राकेश सिंह ने दावा किया कि राज्य सरकार ने अपनी ओर से आज तक अतिवृष्टि का ना तो कोई सर्वे कराया और ना ही राहत राशि दी। केंद्र ने
अपनी तरफ से दो दो बार अध्ययन दल भेजा और दो बार सर्वे कराया गया। राकेश सिंह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस केंद्र की राहत राशि के 1,000 करोड़ प्रशासनिक कार्य में खर्च कर रही है। कांग्रेस ढकोसला कर रही है, झूठ की राजनीति कर रही है, अपनी गलतियों को केंद्र के सिर पर थोपने की कोशिश कर रही है। हमने बार बार कहा, चुनाव के पहले इन्होंने कहा था कि हम कर्जा माफ़ करेंगे, कर्जा माफ़ नहीं किया। भीषण बारिश से जो फसलें खराब हुई उसका मुआवजा तो दूर की बात, सर्वे भी नहीं कराया। केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से स्वयं होकर वहाँ से दल को भेजा, दो दो बार दल यहाँ पर आए ताकि यहाँ पर आकलन करके और उसकी रिपोर्ट दे सकें, और उसके बाद केंद्र सरकार ने 1,000 करोड़ रुपए की राशि मध्य प्रदेश सरकार के पास भेजी। हम पूछना चाहते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और कांग्रेस की सरकार से कि वो बताएं कि 1,000 करोड़ रुपए में से कितना पैसा किसानों को अभी तक इन्होंने बांटा। आप 100 करोड़ रुपए नहीं बांट पाए अभी तक किसानों को। ये पैसा आपको प्रशासनिक खर्चों को चलाने के लिए नहीं दिया गया है, ये पैसा किसानों को देने के लिए दिया गया है। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रभुराम चौधरी ने स्कूल शिक्षा विभाग में अयोग्य शिक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए 16 शिक्षकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। 20 साल की नौकरी या 50 की उम्र के फार्मूले से बाहर आने वाले 20 शिक्षकों के साथ साथ फेल हुए शिक्षकों के दस्तावेजों की भी जाँच शुरू कर दी गई है। मध्य प्रदेश में स्कूल में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए स्कूल शिक्षा मंत्री प्रभुराम चौधरी ने अयोग्य शिक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रभुराम चौधरी के निर्देश पर विभाग ने 16 शिक्षकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। गौरतलब है कि 30% रिजल्ट वाले शिक्षकों की पात्रता परीक्षा जून में ली गई थी, जिसमें 5,891 शिक्षकों ने परीक्षा दी थी। इस परीक्षा में 1,351 फेल हुए। शिक्षकों को ट्रेनिंग देकर 14 अक्टूबर को फिर से परीक्षा ली गई, लेकिन दूसरी बार भी 84 शिक्षक 33% के कम अंक लाकर फेल हो गए, जिसके बाद अनुत्तीर्ण हुए 26 शिक्षकों को चेतावनी देते हुए हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल के शिक्षकों को प्राथमिक व माध्यमिक शालाओं में भेजने की कार्यवाही की गई। जिन स्कूलों के रिजल्ट्स कमजोर आ रहे थे, बिलो 30% 0 से 30% के जो रिजल्ट वाले स्कूल थे, उनको हम लोगों ने आइडेंटिफाई करके सब्जेक्ट बाय उन शिक्षकों की 12 जून को परीक्षा हम लोगों ने की थी, जिसमें 5,891 शिक्षक 12 जून को परीक्षा में बैठे थे जी, और उसमें से 1,351 शिक्षक फेल हुए थे, जिनके मार्क्स बिलो 50% थे। तो हमने किताब भी उनको अलाउ की थी, प्रशिक्षण भी दिया, उसके बावजूद भी 84 शिक्षक 33% से कम अंक लाए, वो फेल हो गए। 16 शिक्षकों को 20-50 फार्मूले के अंतर्गत सेवोन्नति दी गई। 2 शिक्षकों की अभी उनके कागजों की जांच पड़ताल उसमें चल रही है जी, जो 20-50 के अंतर्गत आते थे, तो 20-50 के अंतर्गत नहीं आते थे। बाकी 20 शिक्षकों के हमने स्कूल विभाग ने 20 साल की नौकरी या 50 साल की उम्र वाले फॉर्मूले से बाहर आने वाले 20 शिक्षकों की विभागीय जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि ट्राइबल विभाग के 20 शिक्षकों की जांच संबंधित विभाग द्वारा की जा रही है। फेल हुए शिक्षकों में 2 के दस्तावेजों की जांच स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा की जा रही है। मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं वेंटिलेटर पर चल रही हैं। अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि महिलाओं की नसबंदी ऑपरेशन के बाद उन्हें लेटाने के लिए अस्पताल में बेड तक नहीं है। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, मरीजों के ले जाने के लिए स्ट्रेचर तक अस्पताल में नहीं है। परिजन अपने मरीजों को गोद में उठाकर ले जा रहे हैं। छतरपुर में अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही साफ नजर आ रही है। नसबंदी ऑपरेशन के बाद बेड नहीं मिलने से मरीज महिलाओं को मजबूरी में ठंड में जमीन पर लेटना पड़ा। महिलाओं की इतनी दुर्दशा की जैसे वो इंसान नहीं कोई जानवर हो। अस्पताल के ये हालात हैं कि महिला को ऑपरेशन के बाद स्ट्रेचर के बजाय परिजनों को हाथ में उठा कर ले जाना पड़ा। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होने के बजाय सरकार के दावों की तरह अब खोखली नजर आ रही हैं। स्वास्थ्य सेवाएं
सुधरने के बजाय बिगड़ती जा रही हैं। हम अपनी भाभी जी को नसबंदी का ऑपरेशन करवाने आए हैं, जो कि उनको अभी इंजेक्शन भी लग गया है नशे का, तो वो अभी नशे में है और अभी कोई आया भी नहीं है, वहाँ कोई है भी नहीं। और यहाँ देखिए कोई पलंग की भी व्यवस्था नहीं है, ये ज़मीन में गद्दा बिछा के लिटा रहे हैं वो लोग, और बाकी व्यवस्था तो कुछ है नहीं। अब समस्या यही है कि हमारा मरीज ज़मीन पर लेटेगा और पलंग की व्यवस्था नहीं है। हमारी बहू यहाँ पर आए हैं और ना पलंग अलंग लेटे हैं, बच्चे परेशान हैं बाहर, वो अंदर भी इंजेक्शन लगे हैं और भी उनका ख़त्म हो भी वाला है उनका नशा। डॉक्टर साहब यहाँ आ नहीं रहे हैं, कब तक देख रहे हैं? आज ये बच्चा दोबारा हम अंदर लेके घुस हुआ है, पलंग तो नीचे बिछा है बिस्तर, पलंग अलंग कुछ नहीं है। यह तस्वीरें जिला अस्पताल की हैं, जहां महिलाओं को नसबंदी ऑपरेशन होने के बाद लेटने की जगह तक नहीं मिली, उन्हें ठंड में जमीन पर लेटाया जा रहा है। अव्यवस्था इस कदर है कि महिलाओं को लाने और वापसी में ले जाने के लिए कोई सुविधा नहीं दी जा रही है, साथ ही उनको ऑपरेशन के बाद बाहर लाने के लिए स्ट्रेचर तक नहीं दिया जा रहा, जिससे परिजनों को ही महिलाओं को अपने हाथों में उठाकर लाना पड़ रहा है। इस तरह जमीन में लेटने से महिलाओं को जहां दर्द और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं उनको इन्फेक्शन फैलने का डर भी बना हुआ है। इस मामले में जिम्मेदार डॉक्टर गोलमोल जवाब देते अपने जिम्मेदारियों से बचते नजर आ रहे हैं और लापरवाही करने पर जांच कराकर कार्रवाई की बात भी कर रहे हैं। ये कुछ जानकारी आपके चैनल के द्वारा भी प्राप्त हुई है कि मरीजों को जमीन पर लिटाया जा रहा है। वैसे हमारे पास पर्याप्त मात्रा में यहाँ गद्दे उपलब्ध हैं और जहाँ आप एडीटी का ऑपरेशन थिएटर है उसके पास में एक हाल है और वहाँ पर चद्दर और गद्दे दिए गए हैं कि गद्दे बिछा करके चद्दर बिछा करके उनमें जो हितग्राही हैं जिन घर की होती है उनको वहाँ लिटाया जाए और उसके पहले भी जो विश्राम करना चाहते हैं उनको भी वहाँ पर लिटवाया जाए। 50-60 गद्दे पर्याप्त मात्रा में हैं और एक शिविर में एक बार में 30 केस करने के लिए प्रावधान है और जब वो चले जाएँ तो उसके अलावा फिर 30 केस कर सकते हैं दूसरा सर्जन आ करके। और अगर कोई ज़मीन में लेटा हुआ तो इसको हम लापरवाही मानते हुए उन कर्मचारियों के खिलाफ सक्षम अधिकारी को सूचना देंगे। एक मजनू को लड़की छेड़ना भारी पड़ गया। लड़की इस मजनू की छेड़छाड़ से परेशान थी और मजनू को सबक सिखाने के लिए सबके सामने लड़की ने मजनू की जमकर जूतों से पिटाई कर दी। पिटाई करने के बाद मजनू को पुलिस के हवाले कर दिया गया। बैतूल में एक मजनू को लड़की छेड़ना भारी पड़ गया। लड़की इस कदर इस मजनू से परेशान थी कि गुस्से में मजनू की जूतों से पिटाई कर दी और फिर पुलिस को सौंप दिया। बताया जा रहा है कि मंचला काफी दिनों से लड़की को परेशान कर रहा था। लड़की लड़के की आए दिन की इन हरकतों से परेशान हो चुकी थी। अति होने पर लड़की ने मंचले की धुनाई कर दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची सौडाइल ने कार्रवाई की। वीडियो में साफ सुना जा सकता है कि लड़की इस लड़के से किस कदर परेशान हो चुकी थी। इससे पहले लड़का अपनी हदें पार करता, लड़की ने सबके सामने लड़के की जूतों से पिटाई कर उसको सबक सिखा दिया। फिलहाल वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। सब्जी मंडी से फुटकर व्यापारियों की सब्जी दुकान हटाए जाने से नाराज व्यापारियों ने रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। व्यापारियों ने विरोध स्वरूप अपनी दुकानें बंद रखी, साथ ही कलेक्टर के नाम डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सिंगरौली के बैठन सब्जी मंडी से फुटकर सब्जी दुकान हटाए जाने के विरोध में सब्जी मंडी के फुटकर व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी। सिंगरौली विधायक राम लल्लू वैश्य, देवसर विधायक सुभाष वर्मा, वार्ड 40 के पार्षद संजीव अग्रवाल, व्यापार मंडल के अध्यक्ष राजा राम केसरी सहित कई नेताओं ने फुटकर सब्जी व्यापारियों के विरोध का समर्थन किया। जनप्रतिनिधियों ने समर्थन करते हुए कहा कि जहां व्यापारियों की दुकानें थी वहां दुकानें लगाई जाएं। गौरतलब है कि आए दिन सब्जी मंडी में भीड़ होने की वजह से सड़क जाम एवं यातायात व्यवस्था अव्यवस्थित हो जाती थी, जिसके चलते नगर पालिका निगम और सिंगरौली प्रशासन ने फुटकर सब्जी विक्रेताओं व थोक विक्रेताओं की कृषि उपज मंडी शिफ्ट कर दिया है, जिसके बाद व्यापारियों ने एक दिन अपनी दुकानें बंद रखकर विरोध जताया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी। फुटकर सब्जी व्यवसायी हैं, उन्हें बहन मेन मार्केट से जो है किस उपज मंडी पे हटाया जा रहा है नगर पालिका निगम के प्रशासन के द्वारा, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वो सब्जी मंडी जो बेचने वाले ज़्यादातर महिलाएं होती हैं वे नज़दीकी
घुरीताल जमुआ घुरौली गनियारी से आती हैं और सब्जी बेचकर अपने बच्चों का जीविकोपार्जन करती हैं। यदि हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी हम लोग उस पर बैठ कर विचार भी करेंगे और भूख हड़ताल भी करेंगे। हम लोग यहाँ नहीं आ पाएंगे, हम लोग वही मार्केट कर रहे हैं, हम लोग लगाते हैं दुकान, हम लोग का सारा वाले उठा कर ले आते हैं। व्यापारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर डिप्टी कलेक्टर को कलेक्टर के नाम ज्ञापन भी सौंपा। डिप्टी कलेक्टर बीपी पांडे ने कहा कि इस बारे में कलेक्टर से चर्चा की जाएगी, जिसके बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। आए दिन पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट की घटनाएं हो रही हैं। नरसिंहपुर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकार शैलेंद्र तिवारी के साथ न्यूज कवरेज करने के दौरान शासकीय कर्मचारी ने अभद्रता की, जिसके बाद श्रमजीवी पत्रकार संघ ने इसका विरोध जताते हुए कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की है। नरसिंहपुर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकार शैलेंद्र तिवारी के साथ न्यूज कवरेज के दौरान शासकीय कर्मचारी द्वारा अभद्रता की गई, जिसके विरोध में मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ की ओर से कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक के नाम नरसिंहपुर SDM महेश बमना को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में संबंधित कर्मचारी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई, जिससे आगे से पत्रकारों के साथ किसी भी तरह का कोई भी दुर्व्यवहार न किया जाए। समय सीमा में कार्रवाई न किए जाने पर धरना आंदोलन की चेतावनी दी गई। एक जानकारी मिली थी कि शासकीय निर्माण की बिल्डिंग है, वहाँ रात के समय शराबी अपना अड्डा बना लेते हैं। वहीं के PIU अधिकारी और PWD के अधिकारी अपने शराब और नशे का अड्डा बना लेते हैं। ये जानकारी मिली जब हम गए तो वहाँ पे हमने देखा कि नशे की हालत में रात में कुछ लोग निकल रहे हैं। तो उसकी पूरी जानकारी के लिए हम जब PIU विभाग गए तो PIU विभाग में अपनी खबर को दबाने के लिए प्रेशर बनाया गया और FIR की वहाँ पे डिविजनल अकाउंटेंट मनीष दुबे हैं, उन्होंने पहले तो डराया धमकाया, FIR की धमकी थी, कैमरा बंद करने का बोला, और जिसके चलते हमको ऐसे में काफ़ी असुविधा हुई। जिसके बाद फिर हम तुरंत आए, हमने आला अधिकारियों को सूचना दी उसकी कि हमको FIR के हम कवरेज के दौरान रोका गया, FIR की धमकी दी गई। तो आज भी हम आए हैं श्रमजीवी पत्रकार संगठन द्वारा और सब लोग यही चाहते हैं कि सभी पत्रकार यही चाहते हैं कि ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई हो, ऐसे अधिकारी अंगले से ऐसी कोई गुस्तागी ना करें, कवरेज के दौरान किसी पत्रकार को परेशानी ना हो, जिसके चलते आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग चाहते हैं। हमारे पत्रकार साथी शैलेंद्र तिवारी जी के साथ में एक मनीष दुबे कर्मचारी हैं, उन्होंने अभद्र व्यवहार किया, कवरेज के लिए गए हुए थे और उनको बोला शैलेंद्र तिवारी जी को कि हम आपकी FIR दर्ज करा दें। इसी संबंध में को लेकर हमने आज SDM महोदय को मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ नरसिंहपुर के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई कि संबंधित कर्मचारी के ऊपर सख्त कार्रवाई की, अगर सख्त कार्रवाई नहीं की होती तो हम सीधे आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। एक ओर जहां मुख्यमंत्री कमलनाथ के स्पष्ट निर्देश हैं कि पत्रकारों से कोई अधिकारी किसी प्रकार से अभद्रता करता है तो तत्काल कार्रवाई होगी, वहीं दूसरी ओर PIU अधिकारी द्वारा पत्रकार के साथ अभद्रता किए जाना भी कहीं न कहीं मुख्यमंत्री कमलनाथ के आदेशों की अवहेलना है। नरसिंहपुर के PIU कार्यालय के एक अधिकारी मनीष दुबे ने कवरेज करने वाले पत्रकार शैलेंद्र तिवारी के साथ अभद्र व्यवहार किया, साथ ही खबर रोकते हुए FIR कराने की धमकी दी, जिसके बाद पत्रकारों में अधिकारी पर कार्रवाई को लेकर आक्रोश व्याप्त है। आज उनको ज्ञापन प्राप्त हुआ है आपके द्वारा, मैं इसमें कलेक्टर साहब का अवगत कराऊंगा और क्या है, क्या विषय है ये मुझे आज ही पता चला है इसके बारे में, तो मैं इसको देखता हूँ, जांच करवाता हूँ। नहीं नहीं ये तो गलत हुआ है, जो भी है मैं आज कलेक्टर साहब को अवगत कराऊंगा कि कौन अधिकारी था, कौन कर्मचारी था और क्या था, इसके वीडियो फुटेज भी दिखाए आपने, मैं साहब को अवगत कराऊंगा। कांकेर जिले से सटे गढ़चिरौली में हुए एक मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने दो माओवादियों को मार गिराया। बताया जा रहा था कि ये नक्सली पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी सप्ताह की तैयारी में जुटे थे, जिसके बाद एंटी नक्सल ऑपरेशन कमांडो के जवानों ने नक्सली कैंप में घुसकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र सीमा पर कांकेर जिले से सटे गढ़चिरौली में हुए एक मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने दो माओवादियों को ढेर कर दिया। शनिवार को हुए इस एनकाउंटर की पुष्टि पुलिस ने की। बताया जा रहा है कि पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ भामरागढ़ इलाके में हुई। पुलिस ने बताया कि नक्सली पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी सप्ताह की तैयारियों में जुटे थे। माओवादी 2 से 8 दिसंबर तक इस सप्ताह को मनाने वाले थे। इसी दौरान एंटी नक्सल ऑपरेशन कमांडो के जवानों ने नक्सली कैंप में घुसकर कैंप को तबाह कर दिया। इस मुठभेड़ में 2 नक्सलियों के शवों को बरामद कर लिया गया है। इसके साथ ही 4 बंदूक और प्रेशर कुकर बम बरामद किए गए हैं।
रीवा से दक्षिण भारत के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटक स्थलों के लिए भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ने भारत दर्शन विशेष पर्यटक ट्रेन चलाने की योजना बनाई है, जो कि 13 दिनों तक भारत के अलग अलग कोनों में जाकर लोगों को भ्रमण कराएगी। भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन द्वारा भारत के विभिन्न राज्यों से लोगों की सुविधा को देखते हुए भारत दर्शन यात्रा निकालने जाने की योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत एक ट्रेन रीवा से यात्रियों को लेकर दक्षिण भारत के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटक स्थलों पर भ्रमण कराएगी। बताया जा रहा है कि 15 जनवरी 2020 को यह ट्रेन रीवा के रेलवे स्टेशन से रवाना होगी, जो कि मैसूर, बेंगलोर, कन्याकुमारी, त्रिवेंद्रम, मदुरई, रामेश्वर एवं तिरुपति बालाजी का भ्रमण कराते हुए पुनः 27 जनवरी को रीवा वापस आएगी। रेलवे बोर्ड के क्षेत्रीय प्रबंधक के सिंह ने बताया कि इस यात्रा में लोगों को सर्व सुविधा युक्त व्यवस्था के साथ भ्रमण कराया जाएगा। IRCTC ने एक स्पेशल यात्रा स्पेशल गाड़ी चलाने का आह्वान किया है। यह गाड़ी 15 जनवरी को रीवा स्टेशन से चलेगी और पूरे दक्षिण भारत के विभिन्न शहरों में जाएगी। यह गाड़ी दक्षिण भारत के विभिन्न शहरों में जितने भी धार्मिक हिंदू पौराणिक स्थल हैं, तीर्थ स्थल हैं, मंदिर हैं, मठ हैं, वहाँ पर जाएगी और जितने भी यात्री रहेंगे सभी यात्रियों को वहाँ के दर्शन कराएगी। वहाँ पर लोकल रोकने का अरेंजमेंट किया जाएगा और पूरा 13 दिन का यह टूर रहेगा। इस टूर में लोगों को बहुत ही किफ़ायती दर पर सभी सुविधाएँ उपलब्ध होंगी। यह विंध्य के क्षेत्र की रीवा, सीधी, सतना और उसके लोगों के लिए बहुत ही अच्छी एक सौगात है कि यह एक गाड़ी उनके इलाके से चल रही है और यह गाड़ी विभिन्न स्टेशनों से होते हुए रीवा से जाएगी। आपको बता दें, रेलवे बोर्ड के द्वारा रीवा से ऐसी पहली यात्रा निकाली जा रही है जिसमें उन्हें सर्व सुविधा युक्त व्यवस्था के साथ भारत दर्शन का अवसर मिलेगा। वहीं इस यात्रा को लेकर रीवा रेलवे स्टेशन में भी तैयारियां जोरों पर हैं तथा यात्रियों की बुकिंग सहित तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। दर्शनीय स्थल में पहले ये गाड़ी मैसूर जाएगी, मैसूर के बाद फिर बैंगलोर, फिर कन्याकुमारी, फिर त्रिवेंद्रम, फिर मदुरई और फिर रामेश्वरम के बाद तिरुपति बालाजी के दर्शन करते हुए वापस ये रीवा आएगी। गोडसे विवाद के बीच सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा कि मैं आ रही हूँ, मुझे जला दीजिए। कांग्रेस विधायक गोवर्धन दांगी ने सांसद प्रज्ञा को जिंदा जलाने की बात कही थी। कांग्रेस विधायक की धमकी पर सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने पलटवार किया और कांग्रेस को चुनौती देते हुए ट्वीट किया कि कांग्रेसियों को जिंदा जलाने का पुराना अनुभव है। 1984 में सिखों को और नैना साहनी को तंदूर में जलाने का अनुभव है। मैं 8 दिसंबर शाम 4 बजे ब्यावरा के मुल्तानपुरा में आ रही हूँ, जला दीजिए। गोडसे विवाद के दौरान ब्यावरा से कांग्रेस के विधायक गोवर्धन दांगी का बड़बोलापन सामने आया था और उन्होंने भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर को जिंदा जलाने की धमकी दी थी। दांगी ने कहा है कि प्रज्ञा ठाकुर कभी सामने आई तो उसका पुतला नहीं बल्कि उसे पूरा साक्षात जला भी देंगे। पूरा पुतला नहीं, प्रज्ञा ठाकुर को कभी आई भी तो हम साक्षात जला भी देंगे प्रज्ञा ठाकुर। मध्य प्रदेश कांग्रेस सरकारी समय तथा कथित पत्रकारों और फर्जी माइक आईडी वाले पत्रकारों से परेशान है, इसलिए ऐसे लोगों की निगरानी कांग्रेस ने शुरू कर दी है। पिछले दिनों मंत्री सुखदेव पांसे की पत्रकार वार्ता के दौरान भी ऐसे कथित पत्रकार नजर आए जो सिर्फ फर्जी माइक आईडी लेकर घूम रहे थे। फर्जी माइक आईडी बनवाकर घूम रहे कथित पत्रकारों से निजात पाने के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस ने कमर कस ली है। पिछले दिनों कांग्रेस मुख्यालय में होने वाली पत्रकार वार्ताओं में ऐसे कई फर्जी पत्रकार नजर आए, उसके बाद कांग्रेस को इन पर विचार करना पड़ रहा है। मंत्री सुखदेव पांसे की पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस की मीडिया प्रभारी शोभा ओझा भी इस सब से खिन्न नजर आईं और कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ फर्जी माइक आईडी उन्होंने अपने साथियों को भी दिखाई, जिसके बाद कई तथाकथित पत्रकारों से उनके संस्थान, उनके कार्ड के बारे में जानकारी ली गई। कांग्रेस ऐसे फर्जियों से इस कदर परेशान है कि ऐसे लोगों को मुख्यधारा के मीडिया से अलग रखने के उपाय सोच रही है। इस मामले में कांग्रेस का परेशान होना लाजमी भी है, क्योंकि ये लोग असली पत्रकारों की जगह कब्जा करके दुकानदारियां कर रहे हैं। कांग्रेस के सूत्र बताते हैं, जल्दी ही कांग्रेस ऐसे लोगों को प्रतिबंधित कर सकती है जिनका खबरदारी या पत्रकारिता से सीधा कोई सरोकार नहीं है। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि पार्टी के ही कुछ नेताओं ने ऐसे लोगों को तवज्जो दी, अब पार्टी अपने नेताओं को भी असली और नकली मीडिया के बीच में भेद करने को कहेगी। कांग्रेस कार्यालय में जमे नकली मीडिया वालों से असली मीडिया के लोगों को भी काम करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और असल मीडिया के लोग ऐसे फर्जियों से दूरियां बनाकर रहते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए दखल न्यूज़, दखल आपके हक में। संगीत की स्वर लहरियों से
सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।